बस मम्मी कितना नहीं, बस इतना सही तो बचा है। आज पता है मुझे लेक्चर, आज तो मैं टाइम पे पीऊं। नहीं मम्मी, नहीं पीना मुझे। अच्छा आज छुपा दे, मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, प्लीज। छुपा दिया मैंने। हाय बच्चा लोग, तुम भी ऐसे छुपाते हो ना दूध, मैं भी छुपा देती हूँ। मगर मम्मी से डांट भी बाद में बहुत पिटती है, तुम्हारी भी पिटती होगी। कैसे आप सब लोग, आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट मेरे लेक्चर में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, और दूध से क्या होता है, दूध से हमारी क्या स्ट्रांग होती है, हड्डियाँ। और आज का चैप्टर क्या है, बॉडी मूवमेंट्स। तो भैया लोग, इसीलिए तो हम लाए थे दूध, कि दूध की इम्पोर्टेंस क्या है तुम सबकी लाइफ में वो बताने के। इसलिए मैं आज का एक लेक्चर लेकर आई हूँ। और लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चे, कुछ थी एक का नाम नूशा। हाय नूशा, कैसे हो आप सब लोग? ठीक है, अभी आप लोग क्या कर रहे होगे? टाइम कुछ नहीं, आपके लेक्चर का वेट। मुझे तो पता ही है तुम लोग मेरा वेट कर रहे थे। मगर आज होने क्या वाला है और किया क्या तुमने? अपना आराम से खाना वाना पी के बैठे हो ना, तुम भी दूध पी रहे होगे, क्योंकि आ रहा है माद्री मैम का लेक्चर। चले फिर, चलो आज देख ले क्या करने वाले आज हम। यस मैम, ऑल रेडी, ऑल सेट अप, बक अप योर सॉक्स। फर्स्ट, बोन्स एंड देयर फंक्शन। हड्डियां क्या है और उनका फंक्शन क्या है, ये भी तुमको पता होना ही चाहिए। दूसरा, हम क्या देखने वाले हैं? पहला तो हम यही देखने वाले हैं कि भैया हड्डियां क्या होती हैं, उनका फंक्शन क्या क्या रहता है। ठीक है, दूसरा हम देखने वाले टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट से याद आया, मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट होते थे यार मैम, बट अगर आप दिखा देते ना एक बार मुझे तो मजा ही आ जाता। तो बच्चा लोग, अंश भैया एक जादू दिखाएंगे तुमको। अंश भैया दिखा दूं क्या? चलो फिर दिखा देते। ये देखो, ले आई मैं तुम्हारे लिए क्या मैम, किसके दांत उधार ले आए हो, किसका पूरा का पूरा आप सेट ही ले आए। तुम लोगों से प्यार ही इतना है तो ले आई। देखो अब मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट देख लेते हैं। अब आपका जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, आप उसको साइड में हिला सकते हो ना, अगर आप ऊपर वाला हिला सकते हो क्या? नहीं। तो बेसिकली जो आपका लोअर जो है, जो आपका लोअर जो है, दैट इज योर मैंडिबल, दैट इज मूवेबल। वेयर एज जो तुम्हारा अपर जो है, जो है दैट इज योर मैक्सिला, दैट इज इमूवेबल। मैं इसको सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर सकती हूँ, साइडवेज नहीं मूव कर सकती, बट नीचे वाले को मैं साइडवेज भी यूज कर सकती हूँ। हाँ, इसके थोड़े दांत भी नहीं है, क्योंकि इसने क्या खाई है, तुम्हारी तरह चॉकलेट बहुत खाई है इसने, और इसकी वजह से क्या हुआ है, दांतों में केरीज। केरीज की वजह से क्या हुआ, दांत निकल गए। इसलिए कहती हूँ चॉकलेट मत खाया करो, समझ आई? तो चले फिर आगे बढ़े। एक सेकंड में आई मैं, बस एक सेकंड में वापस आ गई मैं। नेक्स्ट देख लें क्या करने वाले, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब कि ये कुछ बॉल जैसा है मैम, और सॉकेट मींस वो क्या, जिसमें हम तार डालते हैं, वो वाला सॉकेट मैम। कंफ्यूजन है, कुछ नहीं, अभी सब दूर होगा सारी कंफ्यूजन। चौथा क्या है, हिंज जॉइंट है। तो भाई हिंज जॉइंट भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा ये जॉइंट। पहली बात तो जॉइंट ही क्या है ये देख लेते हैं। चलो आगे देखते हैं कि आगे हम आज क्या क्या और एक्साइटिंग करने वाले हैं। पाइवोट जॉइंट, अरे गर्दन में थोड़ा सा लचक अगर आ जाए मैम। पाइवोट के नाम से गर्दन, हेड एंड नेक जॉइंट भाई, ग्लाइडिंग जॉइंट। अब इसमें क्या रोलर कोस्टर होता है क्या मैम, ये भी देख लेते हैं। आगे क्या पढ़ने वाले हम, फिक्स जॉइंट। अभी मैंने दिखाया था मैक्सिला, फिक्स जॉइंट दैट कैन नॉट मूव। और क्या पढ़ने वाले हम, लोकोमोशन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। अरे दूसरे भी तो प्राणी है, उनमें भी क्या होता है, लोकोमोशन होता है। तो देखे चलो सफर जारी करे, एक्साइटेड हो कि नहीं हो एक बार पहले यस मैम तो बोल दो कि हाँ मैम हम रेडी है, बस आप आ जाओ। चले फिर लेक्चर स्टार्ट करे, पहला पॉइंट देख ले, और ये है आपकी स्क्रीन पे है पहला, दैट इज योर बोन्स एंड इट्स फंक्शन। पहली बात तो बोन्स क्या होती है, बोन्स आर द हार्डेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट? आप लोग एग्री करते होंगे कि जो बोन्स है वो हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे हार्डेस्ट है। मगर ये एक ऑर्गन है। व्हाट इज द, अगर मैं तुमसे आज एक क्वेश्चन पूछूं और अभी मुझे इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी? जल्दी जल्दी बताओ कि व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस।
व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, तब तक मैं जरा बोन एक्सप्लेन कर दूं। तो बोन्स आर द रिजिड ऑर्गन, दे आर द रिजिड ऑर्गन दैट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम। अरे मैम नहीं पल्ले पढ़ा। देखो बोन्स क्या है, बोन्स आर द हार्डेस्ट ऑर्गन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन बेटा, दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, इसको तो मैंने, इसके मतलब को तो तोड़ दिया मैंने। हाँ मैम अब समझ आया। ऑफ वर्टिब्रेट्स बेसिकली एंडोस्केलेटन, कि वो तुम्हारी बॉडी का एक ढांचा बना रहा है। कौन? बोन्स आपकी बॉडी का क्या बना रहा है? ढांचा, फ्रेमवर्क बना रहा है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, फॉस्फोरस, थोड़ा सल्फर। दे आर बेसिकली हाईली मिनरलाइज्ड, बोन्स आर हाईली मिनरलाइज्ड। ओके चलो आगे बढ़े। अरे देख रहे हो स्केलेटन बाबू को, मस्त लग रहा है ना? मैंने अपने फर्स्ट ईयर में भी देखा था ऐसा पूरा स्केलेटल सिस्टम। अभी हमें पूरा पूरा पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लाए हो? दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब आपने देखा होगा, सपोज अगर मैं बात करूं रिब केज की, किसकी बात कर रही हूं मैं? रिब केज की बात कर रही हूं बेटा, मैं बात कर रही हूं इस रिब केज की। अब इस रिब केज के अंदर क्या आते, कौन से ऑर्गन आते? लंग्स आते। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? लंग्स को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? भाई हम लोग कितनी जगह पे जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और ये ऑर्गन्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं, दे आर वेरी डेलिकेट। तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैविंग अ फ्रेमवर्क, है ना? अब भाई आप कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, या आपने कभी किसी मूवी स्टार्स को देखा होगा आसपास, आपने देखा होगा पूरी भीड़, पूरी के पूरी उनकी एक सिक्योरिटी लाइन चल रही है। क्यों? ताकि वो क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि लोग उसके ऊपर भीड़ ना आ जाए, कोई उसे हार्म ना पहुंचाते। सेम एज इट इज, या आपने कितनी, जितने भी मिनिस्ट्रीज के लोग होते हैं उनमें भी हाई, दे आर वेरी, उनके आसपास क्या होता है? बहुत सारी क्या होती है? सिक्योरिटी होती है। क्यों? टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। सेम एज इट इज हमारी बोन्स क्या कर रही है? हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। Obviously, हमारी जो बोन्स है उसके अंदर सेल्स भी बनते हैं, जैसे कहते हैं बोन मैरो, आगे जाके हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज बोन मैरो, उसके अंदर कौन से सेल्स बनते हैं? रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं। क्रिश 3 याद आई, जिसमें वो उसका क्या करता है, डीएनए स्पाइन से निकालता है, क्रिश 3 याद आई, उसमें उसका बोन मैरो निकालता है और दूसरे के बोन मैरो में डाल देता है ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैम, याद भी नहीं आ रहा है, मगर मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ इस चीज। आगे बढ़ते हैं कि भाई और क्या है, और हमारे पास प्रोटेक्शन। बोन्स कैन सर्व द प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन सच एज योर स्कल प्रोटेक्टिंग द ब्रेन, और द रिब्स प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड लंग्स। सेम मैंने अभी आपको बता दिया ये चीज। हाँ मैम आपने ये चीज पहले ही एक्सप्लेन कर दी कि भाई प्रोटेक्शन कैसे देता है हमारी बोन्स। हमारी बोन्स जितने भी डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारे नर्व सेल्स हैं। ब्रेन इज योर व्हाट, दैट अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, उसको तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को जरूरत है, सेम एज इट इज हमारे ब्रेन को भी उतनी ही प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट बोन जिसमें सबसे ज्यादा बोन्स है, दैट इज योर स्कल, दैट इज योर स्कल। ओके आगे बढ़े, आगे देखे। हाँ मैम चलो, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बोन्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू कीप द बॉडी सपोर्टेड। अब कितने सारे, अगर हमारे में बोन्स नहीं होती तो तुमको लगता है कि हम लोग कैसे सीधे खड़े होते? हमारी बॉडी कुछ ऐसे टाइप की होती, कैसे? जैसे अभी इसकी है, ये तो बिल्कुल ऐसा मस्त यूं सा खड़ा हुआ है ना? और अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होती तो हमारी बॉडी में एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, राइट? हम लोग भी अमीबा की तरह ऐसे कर रहे होते, कैसे? वी डोंट हैव अ फिक्स्ड बॉडी स्ट्रक्चर। अमीबा डोंट हैव अ फिक्स्ड
next body structure beta, but human beings having, human having, humans having, humans having fixed body structure, fixed body structure beta. Yes ma'am, because of this framework that is provided by your bones, this provided by your bones. समझ आ गया? आगे बढ़े, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? चलो फिर आगे देख लेते इंटरेस्टिंग सा. और यस मैम, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक मैम पीछे से कुछ छूट गया लग रहा है. हाँ छूट तो गया था, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे. टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, लो चार्ट देख रहे हो, तुम्हारे लिए ही बनाया है. जॉइंट्स जो है वो बेसिकली टू मेजर टाइप के जॉइंट होते हैं. मैंने अभी बताया मूवेबल जॉइंट होते हैं और इमूवेबल जॉइंट होते हैं. कौन से जॉइंट होते हैं बेटा? मूवेबल जॉइंट मतलब जो क्या कर सके, मूव कर सके, और इमूवेबल जॉइंट जैसे आपका अपर जॉ जो मूव नहीं कर सके, दैट आर फिक्स्ड ऑन इट्स पोजिशन. ठीक है, जो कि फिक्स्ड है अपनी पोजिशन पे. तो भाई मूवेबल जॉइंट कौन कौन से टाइप के होते हैं? हिंज जॉइंट होते हैं. ठीक है, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट आपका हेड एंड नेक. ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं कोहली की तरह बॉल मार ही दूं. शोल्डर, यार मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ, स्कूल में करते हैं ना, वो कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट, और तो और ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग में तो कौन सा? एंकल एंड रिस्ट. क्या ग्लाइडिंग जॉइंट में बताओ कौन सा जॉइंट है, जल्दी जल्दी बताओ. मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट में कौन सा आएगा? फिक्स जॉइंट आएगा. कौन सा आएगा? फिक्स जॉइंट. इमूवेबल में दैट कैन नॉट इवन मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन. आगे बढ़े, समझ आ गया कौन कौन से जॉइंट है. अब आप कहोगे मैम हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये दिखते कैसे हैं? ये भी दिखा देती हूँ अभी तुमको. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने पे दिखा क्या? टाइप्स ऑफ जॉइंट. अब देखो पाइवोट जॉइंट क्या है. सपोज दिस इज योर बोन, और ये क्या कर रहा है? पूरा क्या 360 नहीं है, बट अप डाउन राइट एंड लेफ्ट. सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ पाइवोट जॉइंट. सैडल जॉइंट क्या होता है? प्लेन जॉइंट क्या है? दिस आर द टाइप ऑफ जॉइंट. जब आप ये बड़े बड़े हो जाओगे ना 11th में, और अगर आपको डॉक्टर बनना होगा, तब आप ये सैडल जॉइंट और प्लेन जॉइंट पढ़ेंगे. हिंज जॉइंट, सी हिंज जॉइंट क्या है? एक ही टाइप की, एक ही साइड वाइज वो मूवमेंट करता है. अब मैं बोन एल्बो को पीछे की साइड नहीं मूव कर सकती, है ना? देन वी आर हैविंग अ कॉर्डिलॉइड जॉइंट. अब ये कॉर्डिलॉइड जॉइंट क्या है, कॉन्डाइलर जॉइंट क्या है, या कॉन्डिलॉइड जॉइंट क्या है? कॉन्डिलॉइड जॉइंट देखना है. नाम तो थोड़ा बेकार सा लग रहा है, मगर कैसे, एक सेकंड वेट करो, मैं अभी एक सेकंड में तुम्हें दोबारा वो दिखाती हूँ कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है. कॉन्डाइलर जॉइंट प्रेजेंट होता है जहाँ पे तुम्हारे ये जो दोनों आपके जो अपर जॉ लोअर जॉ मिल रहे होते हैं, साइड में क्या होता है? कॉन्डाइल होता है. ये अंदर को हम बोलते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट. दिस इज नोन एज अ कॉन्डाइलर जॉइंट. यहाँ पे जो लोअर जॉ है तुम्हारा वो मूव कर सकता है, मगर अपर जॉ फिक्स्ड रहता है. अपर जॉ फिक्स्ड रहता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कि हाँ भाई एक बॉल है और क्या एक सॉकेट है, ठीक है, और मैं उसमें क्या कर रही हूँ, बॉल को क्या कर रही हूँ, रोल कर रही हूँ. इसमें क्या हो गया, देखो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है, ये एक बॉल है और ये बॉल कहाँ जा रही है, इस सॉकेट के अंदर मूव कर रही है. सेम एज इट इज 360 आपका क्या हो रहा है, ये जॉइंट मूव हो रहा है, दैट इज अ बॉल एंड सॉकेट. डन डन, आगे बढ़े. हाँ मैम आगे बढ़ते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सबसे पहले ये जॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं. द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और द स्फेरॉइडल जॉइंट. स्फेरॉइडल जॉइंट इज अ जॉइंट इन विच द बॉल शेप सरफेस ऑफ वन राउंडेड बोन फिट्स इनटू अ cup-like depression of an another bone. एक बोन मैंने जैसे आपको बताया
जो एक बोन होगी वो कैसी होगी शेप की, सी हियर दैट, ये होगी बॉल शेप। क्या एक बोन जो होगी वो बॉल शेप की होगी, ठीक है, इसमें मूवमेंट इस साइड में जाएगी और ऐसे जाएगी। Whereas, जो दूसरा जॉइंट होगा, जो दूसरी बोन होगी वो एक कप शेप की होगी, कैसे होगी कप शेप की होगी, जैसे तुम ये देख सकते हो शोल्डर में एक साइड कप है एक साइड बॉल है, और कैसे मूवमेंट हो रहा है 360 मूवमेंट। दिस इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिस इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कैसा जॉइंट है, इन दिस जॉइंट देयर इज वन बोन शेप इज लाइक अ कप, इज लाइक अ कप एंड अदर बोन शेप is like a ball shape beta. Done. Dikh gaya? One bone shape is like a cup and another bone shape is like a ball shape. Same as it is that what they are saying, in which the ball shape surface of one rounded bone, एक की तरफ में राउंड शेप है, ठीक है, into the cup like shape like depression, इसमें क्या है कप लाइक शेप में डिप्रेशन है, जगह जहां पे फिट हो जाती है एक बार, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, सपोज ये एक बोन है ये दूसरी बोन है, ठीक है, ये कप शेप बना रहा है और ये बॉल है, तो इसमें ये बॉल क्या करेगी मूव करेगी, क्या करेगी ये बॉल मूव करेगी। डन, आगे बढ़े, यस मैम, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या मिला हमें, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दे आर फाउंड इन द हिप where the rounded head of the femur, that is your ball, rest in the cup-like acetabulum socket of the pelvis. Okay, that is acetabulum socket of the pelvis. अब ये acetabulum socket जो है ये आप higher classes में पढ़ोगे, but अभी के लिए तुम ये ध्यान रखो कि it's like a acetabulum socket of the pelvis. मतलब क्या है, हिप जॉइंट को भी हम बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं, ठीक है, शोल्डर जॉइंट भी होता है और हिप जॉइंट भी होता है। हिप में पेल्विस बोन के अंदर, ठीक है, जो फीमर है वो कैसे अटैच्ड होगी, फीमर का जो सरफेस है दैट इज राउंडेड, और जो पेल्विस का पेल्विक बोन है जो तुम्हारी पेल्विस जो बोन है तुम्हारी वो कैसी है डिप्रेशन के फॉर्म, कैसे है डिप्रेशन के फॉर्म में, कैसे फॉर्म में डिप्रेशन के फॉर्म में, दैट इज अ कप शेप, दैट इज अ कप शेप, दैट इज अ, ये जो तुम्हारी पेल्विस है वो कैसे शेप में कप शेप, कप शेप। डन, हाँ मैम, डन, चलो आगे देख लेते हैं। एंड इन द क्लीनो बेसिकली ग्लीनो हिमोरल जॉइंट ऑफ द शोल्डर, तो अब कहाँ हो गया इसका जो मैंने बोला शोल्डर जॉइंट का नाम क्या है, ग्लीनो ह्यूमरल, ग्लीनो ह्यूमरल, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट ऑफ द शोल्डर वेयर द राउंडेड हेड ऑफ द ह्यूमरस दैट इज योर बॉल रेस्ट इन द कप लाइक ग्लेनॉइड फोसा ऑफ द शोल्डर ब्लेड, ठीक है। ये थोड़ा हायर लेवल का है बेटा, मगर मैंने तुमको तब भी बता दी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि हमारी जो ये बोन है ह्यूमरस बोन, ठीक है, उसकी सरफेस कैसी है राउंड है, और जो हमारा ग्लेनॉइड फोसा है जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है जो कप लाइक डिप्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं ग्लेनॉइड फोसा। तो इस पूरे जॉइंट को क्या हुआ मैंने क्या ले लिया इससे ग्लेनॉइड फोसा से। अब देखो जॉइंट कैसे बनते हैं, दो बोन्स को टुगेदर रख के, तो ये ग्लेनॉइड ह्यूमरल जॉइंट कैसे, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट कैसे बना, देखो देखो जल्दी ऐसा मत देखना, मेरी दो पीछे भी आंखें हैं सब कुछ देख सकती हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखो ग्लेनॉइड हुआ और बोन कौन सी हो गई, बोन कौन सी हो गई,
ह्यूमरस, ये बोन हो गई। अब भाई जॉइंट बनाना है, ठीक है, तो ग्ली नो ले लेती हूँ यहाँ से, हाँ, और इधर से ह्यूमरल, तो क्या बन गया, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बन गया। देखा, ऐसे जॉइंट के नाम होते हैं कि जो दो बोन्स होती हैं या दो बोन्स के नाम को भी जॉइन करके हम लोग क्या बना लेते हैं, एक जॉइंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक जॉइंट बना लेते हैं। डन, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हिन जॉइंट क्या होता है, व्हाट इज अ हिन जॉइंट? नाउ हिन जॉइंट बेटा क्या होता है, इट इज अ ligamentous and that is the bone joint in which the articular surfaces are molded to each other in such a manner that it permit motion only one plane. Naam nahi samajh aaya, that means hinge joint only provide मूवमेंट बेटा, ओनली प्रोवाइड मूवमेंट इन, ओनली प्रोवाइड मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। बेटा जो मैं ये लिख रही हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आप इस नामों से थोड़ा भी घबरा मत जाना कि मैम ने आज कैसे कैसे नाम बता दिए, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी इम्पोर्टेंट होती है। अब जिनको डॉक्टर बनना है या तुम्हें हायर क्लासेस में भी जाना होगा, तो नॉलेज क्या करती है, सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस को एनहांस करती है, ठीक है। जो मैं लिख रही हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट, मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में भी कैसे लिखना है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कैसी है। अब आर्टिकुलर सर्फेसेस आपको नहीं समझ आ रहा होगा, आर्टिकुलर सर्फेसेस जहाँ पे जो ऐसी जो दो बोन्स हैं जहाँ पे वो मिल रही हैं, उस सर्फेस को मैं क्या बोलती हूँ, आर्टिकुलर सर्फेसेस बोलती हूँ, ठीक है, इन सच अ मैनर दैट इट परमिट ओनली वन प्लेन। अब इस बार देख लेते हैं, जो हमारी दो, अब जैसे कि हमारा जो नी जॉइंट है, हमारा नी जॉइंट इज अ हिन जॉइंट, एल्बो जॉइंट इज अ हिन जॉइंट। अब एल्बो की जो मूवमेंट है वो मैं एक ही डायरेक्शन में कर सकती हूँ ना, मैं इसको पीछे से तो नहीं मोड़ सकती, है ना। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे जो नी जॉइंट है, सी फीमर और टिबिया हमारी ये दो बोन्स है, जब वो दो मिलती है तो क्या हो रहा है, एक ही टाइप का मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। मतलब जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वो एक ही साइड से खुलता है दरवाजा, अब अगर तुम्हारा एक टाइप का एक ही साइड से खुलता है ना, जैसे तुम एक सोच सकते हो कि आप एक डोर है, अब वो वैसे वाले डोर नहीं कि जो दोनों साइड से खोल सकते हो, एक जो आपका घर का दरवाजा है वो आपका एक ही साइड से खुलता है ना, एक ही मूवमेंट क्या करता है, वो अलाउ करता है, सेम एज इट इज योर हिंज जॉइंट, हिंज ऑफ अ डोर ना, दैट इज योर हिंज ऑफ अ डोर, हिंज hinge of door, just like hinge of door बेटा, ठीक है। जैसे आपका door का movement है वैसे हमारा joint का movement है, समझ आ गया। language से नहीं घबराना है, सिर्फ जितना मैं बता रही हूँ उतना याद रखो। आगे बढ़े, हाँ मैम आगे बढ़ जाते हैं। example क्या है, example है तुम्हारा hinge joint का, elbow joint भी। अब मैम ये कौन सा joint, interphalangeal joints are between the humerus and ulna, अरे ये bones का नाम दे दिया है बस, ठीक है समझ आ रहा है। तो ligaments are the interphalangeal joint between the humerus and ulna, मतलब जो तुम्हारा ये जो elbow joint है उनकी जो दो bones होती है उनको बोलते हैं humerus और ulna, इस को भी हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं। जैसे आर्म्स जो होती हैं आपकी, ये क्या है, ये दोनों आर्म्स हैं आपकी, तो ये किस टाइप का जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट है बेटा, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ, अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा बेटा, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज हिंज जॉइंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल बेटा, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आप कहोगे मैम ये कैसे लिखना है, तो मैं बता रही हूँ कैसे लिखना है, कि भाई हिंज जॉइंट,
इन जॉइंट आर प्रेजेंट प्रेजेंट इन एल्बो एंड नी जॉइंट एंड नी जॉइंट विच प्रोवाइड मूवमेंट विच प्रोवाइड मूवमेंट बेटा इन वन डायरेक्शन विच प्रोवाइड मूवमेंट इन वन डायरेक्शन वन डायरेक्शन तो ये कह के तुम लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो दैट व्हाट आर हिंज जॉइंट बेटा एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. हिंज जॉइंट आर प्रेजेंट इन एल्बो एंड नी जॉइंट व्हिच प्रोवाइड द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली वन डायरेक्शन जस्ट लाइक बोन जस्ट लाइक हिंज ऑफ डोर. बोर्ड पे जगह नहीं पता तो मैम ने ऐसे ऐसे लिख दिया, इसलिए मैंने दो बार बोल भी दिया दैट जस्ट लाइक जस्ट लाइक हिंज ऑफ डोर डन जस्ट लाइक हिंज ऑफ डोर. ठीक है, समझ आ गया? यस मैम, समझ तो आ गया. चले फिर आगे बढ़े क्या? इन जॉइंट समझ आ गया? क्लैरिटी हो गई? थम्स अप कर दो अगर क्लैरिटी हो गई तो, एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से कि हाँ मैम समझ आ गया है. चलो डन, चलो आगे बढ़ते. द नी जॉइंट एंड द एंकल जॉइंट आर लेस टिपिकल as they allow a slight degree of rotation as well, side to side movement. That is certain positions of the limb. ठीक है, मतलब जो knee है, अब आप कहोगे थोड़ा slightly movement भी करता है, एक direction में sideways भी थोड़ा बहुत हिलता है. आप एक बार देख सकते हो. The knee joint and the ankle joints are typical. That as they allow movement slightly degree of rotation as well. Okay, मतलब वो सिर्फ एक टाइप का मूवमेंट तो करती है मगर स्लाइटली मूव भी करता है, रोटेशनल मूवमेंट भी स्लाइटली रहता है, इसका मतलब ये है. आगे बढ़ते हैं. पाइवोट जॉइंट अलाउ रोटेशन विच कैन बी एक्सटर्नल. दैट व्हेन यू आर रोटेटिंग एन आर्म आउटवर्ड्स एंड इंटरनल रोटेटिंग योर आर्म इनवर्ड्स, दैट इज अ पाइवोट जॉइंट. आर्म्स में भी रोटेशन हो रही है ना, outwards inwards. So these are the pivot joint beta that allows the rotation. Pivot joint kya kar raha hai? Allow kya kar raha hai? Rotation provide kar raha hai. When the rotating forearm, these movements are typically called as pronation and supination beta. Okay, pronation and supination. अच्छा लोग आगे बढ़ते हैं. ग्लाइडिंग जॉइंट द प्लेन जॉइंट बेटा दैट इज अथोडियल जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट प्लेन आर्टिकुलेशन इज अ साइनोवियल जॉइंट, मतलब अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन अलाउ ओनली ग्लाइडिंग मूवमेंट. कौन से मूवमेंट? ग्लाइडिंग मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं. साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार आगे बढ़ के कि भैया ग्लाइडिंग मूवमेंट कैसे शो करते हैं ये. ठीक है, द opposed surfaces of the bones are flat and almost with a thin limited tight joint capsule. जैसे कि your wrist and your ankle joint. ठीक है, जो आपकी wrist joint है देख रहे हो आप, उसमें क्या है? They are basically, उसमें कौन सा movement देखने को मिलता है? Gliding movement. Wrist and ankle में कौन सा देखने को मिलता है? Gliding joint देखने को मिलता है. आगे बढ़ जाते हैं. Typically they are found in wrist and ankles, जिसे हम gliding joint बोलते हैं. Fixed joint देख लेते हैं कि भैया fixed joint क्या है. अब fixed joint, some joint between bones in our head are different from those as we have discussed, it doesn't move. अब आपका जो skull है, ये पूरा आपका skull है,
इसमें से कोई भी एक्सेप्ट दिस लोअर जॉ जो आपका अपर द मैक्सिला है, अपर द अपर जॉ है, आपका स्कल में कोई भी एक बोन हिलती नहीं है, मूव नहीं करती है, ठीक है। दीज आर नोन एज फिक जॉइंट विच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, क्योंकि कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है बेटा, कोई सा भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या है मेरे पास, फिक्स्ड बोन्स आर ओनली फाउंड इन आर अपर जॉ एंड स्कल ऑफ आर टीथ, ओके। दीज आर ओनली फिक्स्ड जॉइंट बेटा, जो आपके टीथ के जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एल्वियोलर सॉकेट में आपका दांत क्या होता है, धंसा होता है, आपका दांत कभी मूव नहीं करता, में भी एक जॉइंट है बट वो मूव नहीं करता। तो अब क्या आ गया है हमारे पास, क्वेश्चन टाइम। तो चले देखे क्या क्या पूछा जा सकता है तुमसे पेपर में, और पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ये तुम लोगों से 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है तुमसे ये क्वेश्चन। तो भाई इसका आंसर भी देख लें क्या? हाँ मैम देख लो, भाई देख लेते हैं। आंसर है द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल बॉडी, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इन बॉडी आर दे गिव फ्रेमवर्क टू आर ह्यूमन बॉडी, ऑब्वियसली दे गिव फ्रेमवर्क टू द ह्यूमन बॉडी। फ्रेम नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी मसल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी क्या आर्टरीज है, वेन्स है, वी डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप, वी प्रोवाइड दैट प्रोवाइड द फ्रेम टू आर ह्यूमन बॉडी। एग्जैक्टली, दे प्रोटेक्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, दैट इज डेलिकेट ऑर्गन्स जस्ट लाइक योर हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। दे हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी, ऑब्वियसली ऐसे से चलना, ऐसे से लड़ाई वड़ाई करना, सब में क्या लग रहा है, इन सब में मूवमेंट हो रहा है, और ये मूवमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। दे प्रोड्यूसेस आरबीसी डब्ल्यूबीसीज एंड फॉस्फोरस एंड स्टोर फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना, बोन्स के बीच में, ठीक है, जैसे फीमर बोन्स, लॉन्ग बोन्स के, सारी बोन्स में नहीं होता, लॉन्ग बोन्स के बीच में क्या होता है, आपका एक कनाल होती है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोन मैरो बेटा, बोन मैरो। अब मैम ये बोन मैरो क्या है, बोन मैरो क्या है बेटा, बोन मैरो जो है दैट इज, बोन मैरो क्या है, बोन मैरो अगर मैं बोलूं दिखाऊं कि दे हैविंग अ साइट फॉर रेड ब्लड सेल, They are the site for red blood cells. क्या है, और इसके ऊपर क्या है, ये बोन है, ये क्या है, बोन है, ये चेंज द कलर ऑफ द बोन, चले आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन देख ले कौन सा आने वाला पेपर में, चलो देख लेते हैं व्हाट आर कार्टिलेजेस। तो भाई कार्टिलेजेस क्या थे, ये तो मैंने बताया ही नहीं मैम, कार्टिलेजेस क्या है, पर देख लेते हैं कि कार्टिलेजेस क्या है। कार्टिलेजेस भी एक स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है बेटा, दैट इज वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी सॉफ्ट, दैट आर वेरी सॉफ्ट बेटा, दैट आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन बेंड। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके ईयर लोब्स में प्रेजेंट है, ओके, आपकी नोज के उस पर प्रेजेंट है, नोज में प्रेजेंट है, पिन्ना में प्रेजेंट है, ईयर्स में, फाउंटेन पिन्ना, नोज टिप जो आपकी नोज है इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, एंड द बिटवीन द जॉइंट एंड द बोन्स भी कुछ कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट, आपकी ट्रेकिया में भी, विंड पाइप में भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते,
are the part of skeletal system that are not hard as bone, that can bend easily and found in pinna, nose top, your nose tip, okay, and between the joint and the bones. Done? चले आगे बढ़े. यस मैम, बिल्कुल आगे बढ़िए. अगला क्वेश्चन जो आएगा पेपर में, विच वाई जॉइंट कांट मूव विदाउट मसल. अब भैया जॉइंट जो है वो मसल्स, हर एक जॉइंट के ऊपर मसल्स होती है, तो क्यों नहीं मूव कर सकते? बिकॉज दे मूव इन पेयर बेटा, दे मूव इन पेयर बेटा. एक बार देख ले आंसर इसका. हाँ जी, It is so because muscle work in a pair. For example, when we close our elbow, our biceps contract and triceps rest. And when we open our elbow, triceps contracts, bicep rest, which enable the joint in our elbow can move easily. मैं नहीं समझ आया, अब मैं बताती हूँ. जैसे ही आपने, सपोज दिस इज योर एल्बो, जैसे ही आपने ये कॉन्ट्रैक्ट की, अब देखो बाइसेप और ट्राइसेप क्या है. बाइसेप वाली मसल आपकी, जिसमें आप कहते हैं ना डोले, नाम के भी डोले हैं, दिख रहे हैं ये डोले डोले, ठीक है. अब ये वाली जो मसल है इसको मैं क्या बोलूंगी, बाइसेप. और जो नीचे वाली मसल है इसको मैं क्या बोलूंगी, ट्राइसेप. तो जब मैंने ऐसे किया तो मेरी ऊपर वाली मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और जो मेरी नीचे वाली मसल हो गई वो रेस्ट हो गई. जैसे ही मैंने ये छोड़ा तो नीचे वाली जो आपकी ट्राइसेप मसल है वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और जो आपकी बाइसेप मसल है वो क्या हो गई, रिलैक्स हो गई. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मसल जो है वो पेयर में काम कर रही है. किस में काम कर रही है, पेयर में काम कर रही है. आगे देखते हैं, व्हाई बोन मैरोज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. बोन मैरोज क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे आर द साइट फॉर आरबीसीज एंड योर डब्ल्यूबीसीज. और RBCs, WBCs करते क्या है, RBCs carries your oxygen, okay, and WBCs are the fighting cells. अब ये क्या है, they are the fighting cells बेटा, that provide protection from what, from pathogens. एक बार देख लेते हैं, bone marrows are flexible and soft substances present in our bone that produces red blood cells and white blood cells which act as a antibody in our blood. Obviously, जो WBCs का काम क्या है, they are the fighting cells. और RBCs का क्या काम है, they provide what, they provide oxygen. चलो आगे देख लेते हैं, why adults have less bones than babies. Obviously, जब एक baby होता है तो बहुत सारी bones होती हैं, एक adult की 2206 होती हैं. And जो baby होता है उसके approximately About 300 bones होती हैं, approximately, से कम ज़्यादा भी हो सकती है. तो 206 पे कैसे वो contract कर जाती हैं? क्योंकि जैसे जैसे body बढ़ती है, grow होती है, bones आपस में क्या कर जाते हैं, join कर जाते हैं. ठीक है, इसीलिए जो एक human adult है, एक बार इसका भी answer देख लेते हैं. It is so because babies are not joined together at the time of birth. Because the bones of the baby are not joined at the time of birth. बहुत सारे ऐसे joint है babies के, इसलिए babies को इतने care से रखा जाता है, क्योंकि उनकी जो bones हैं वो क्या है, joint नहीं होती हैं at the time of, बहुत सारे joint बने नहीं होते हैं. ठीक है, so they are having 300 bones. उनकी कौन, कितनी bones होती है, approximately 300 bones. But adult have so many joint together by joint, so they are having so 206. तो एक एडल्ट में क्या, जब तक वो एक एडल्ट बना वो बोन्स जॉइन हो गई दोबारा, और कितनी बोन्स हो गई अब हमारे पास, 206. एंड बेबीज की कितनी होती है, 300 बोन्स. कितनी होती है, 300 बोन्स. आगे बढ़ जाए. हाँ मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड योर एक्सोस्केलेटन. देखो बेटा, एंडो मीन्स अंदर, दैट इज इनसाइड, और एक्सो मीन्स बाहर. तो देख लेते हैं क्या होता है. Endoskeleton are the skeleton that are found inside the body, beta. Example, skull in human, and exoskeleton are that found outside the body, that is shell of snake. That is an exoskeleton. जो अंदर से protection provide कर रहा है body के, that is your skull. और जो बाहर, जैसे snail आपने देखा होगा,
टेल के ऊपर होता है, दैट इज अ एक्सोस्केलेटन बेटा। क्या है ये? एक्सोस्केलेटन। ये क्या है? ये एक्सोस्केलेटन। चलो आगे बढ़ लेते हैं। What is the difference between ligament and tendon? हम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं भाई। अगर मैं बात करूं, what are joint? Joint क्या है? When two bones, joined, which provide movement, which provide movement. Now, what is this ligament and tendon? Bone to bone joint is known as your ligament, and when bone is joined to muscle, that is known as tendon. देख लेते हैं। लिगामेंट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेटा दैट जॉइंस द टू बोन्स, एंड टेंडन आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट जॉइंस मसल टू बोन बेटा, फॉर बेटर बॉडी मूवमेंट। कभी कभी आपने एथलीट्स को देखा होगा, लिगामेंट टियर हो गया, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फट जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पेन भी होता है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़े, देख ले। चलो यार आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है हमारे पास। चलेंगे देख लें क्या? हाँ देख ही लेते हैं मैम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन? भाई अब जो ये कार्टिलेज है दैट इज सॉफ्ट, बोन इज हार्ड, है ना? ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। आगे देख लेते हैं भाई। बोन कार्टिलेज कैन बेंड इजिली एंड आर नॉट ब्रिटल, but bones are brittle and cannot bend easily. Okay, that is the main difference. ये भी पेपर में आ सकता है, one markers में आ सकता है ये question. तो मैं one mark question आ सकता है आपके पेपर। आगे देख लेते हैं। Locomotion in human body. अब locomotion means जो आपकी movement है, जैसे मैं ऐसे चल रही हूँ, ठीक है, चल जो मैं रही हूँ, ये कैसे हो रहा है? Human skeleton, it forms a framework that gives shape and support to the body. It consists of 206 bones that provides the protection to the internal organs. क्या कर रहा है ये? Protection provide कर रहा है बेटा। किसमें? Internal structures को क्या कर रहा है ये? Protect कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। Skeleton देख रहे हो आप ये? ये देखो smiley कर रहा है यहाँ पे। खुश है ये जिंदगी से? कुछ नहीं चाहिए इसे जिंदगी से। आगे देख लेते हैं। स्कल, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, इट इज रिजिड बॉक्स मेड अप ऑफ प्लेट्स ऑफ बोन फॉर्मली जॉइंट टुगेदर। ये स्कल देख रहे हो आप, तो क्या है? बहुत सारी प्लेट्स है जो जॉइंट है, दैट इज इमूवेबल बेटा। ये क्या है? दे आर फिक्स्ड एंड इमूवेबल बेटा। आगे चले, आगे भी देख ही लेते हैं। रिब केज, रिब केज क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट इज फ्लेक्सिबल केज फॉर रिब्स, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग रिब्स क्या करती है? मूव करती है। ईच कर्व्स अराउंड द साइड ऑफ द चेस्ट फ्रॉम द बैक बोन जॉइंट टू द फ्रंट प्लेट, दैट इज नोन एज स्टर्नम। बेटा ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है, बेटा जो आपको ये सेंटर में दिख रहा है, दिस सेंटर वाला, that is known as your sternum. Okay? और पीछे ये किससे joint हो रही है? चाहिए किससे joint हो रही है? vertebral column से। किससे? vertebral column से। ठीक है? That rib cage provide protection to the lungs and the heart. आगे देख लेते हैं। Ribs are connected to one another by the muscle that is known as intercostal muscles. Two lower most pairs are called floating ribs. That is atypical. जो नीचे की जो ribs होती हैं, there are basically 12 pairs of ribs. कितनी pairs होती हैं? 12 pairs होते हैं. अभी जो 12 pair की जो last, मतलब जो 12th pair है, that is known as the floating rib.
क्योंकि वो किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं, वो कनेक्ट नहीं होते। आगे बढ़ जाते हैं, बैकबोन, इट इज नोन एज द स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम, इट इज अ चेन ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड एज द वर्टिब्रे। सी बैकबोन है ना, ये पीछे दिख रहा है आपको बैकबोन, जो आप कहते हो बैकबोन है वो कैसे है, इट इज अ टी, इट इज अ स्मॉल, एक बहुत सारे स्मॉल कॉलम से बना है जो स्लाइटली मूवमेंट भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या रन कर रही है बेटा, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रन कर रही है स्पाइनल कॉर्ड, क्या रन कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है इन वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर बेटा, इन वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर क्या रन कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड रन, क्या रन कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड। आगे देख लेते हैं, इट प्रोटेक्ट्स, अब क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, कौन, वर्टिब्रल कॉलम, which carries messages between the brain and the body, is the support to the skull, ribs and the limbs beta, on vertebral column. Can see the spinal cord here, see that the cord is running in the vertebral column. Done, aage chale, yes ma'am aage chalte hain. Ab limbs kya hote hain, it is made up of long bones with joint that allows them to move. They are mainly for the limb. They are mainly for the support. Lower limb, upper limb. Long bone se bante hain. Arms, forearms are made up of two bones and hands, several small bones. Shoulder bone have a pair of collar bones, jise hum beauty bone bhi kehte hain, in front and the pair of shoulder blades. See this one? These are your limb bones, your arms. See this? This is humerus. इसको मैं क्या बोलूंगी, ह्यूमरस बोलूंगी, इसको मैं क्या बोलूंगी, रेडियस एंड अल्ना, ये क्या हो गई, रेडियस एंड अल्ना। और नीचे क्या है, हैंड्स आर जॉइंट, हैंड्स में भी 8 बोन्स होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं हैंड्स में, 8 बोन्स होती हैं बेटा। आगे चले, लेग्स, लोअर लेग इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स एंड फीट आर सेवरल स्मॉल बोन्स, हिप बोन्स एंड ग्रिडल्स bear weight of the body and are attached to the thigh bone. See this? This is the femur and this is tibia. Okay, and you can see over here, these are the feet which is having small bones. Which is having small bones. So, arms kya ho gaye? Upper limbs ho gaye. Aur legs kya ho gaye aapke? Lower limbs ho gaye. Kya ho gaye? Lower limbs. Chale? Now, joint. Joint क्या हो गया? The joint where the two bones meet and allow movement to take place. Bones are held together by ligament. मैंने बता दिया आपको, अंजी मैम बता दिया ये आपने, साइज भी हो गया। Immovable joint, the bones that cannot move. At these examples are bone in skull, upper jaw and rest of the skull. These are what? These are the human skull is an example of immovable jaw. हाँ ये भी आप बता चुके हो, बता चुके हो। अब fish का देख लेते हैं, अलग अलग organism का हम आज एक movement देखते हैं कि जो fish है वो कैसे 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 move करती है। तो देख लेते हैं fishes हमारी कैसे move करती है। Locomotion achieved by lateral contraction of the muscle body with the final thrust by the tail. तो बेसिकली ये क्या कर रही है, लेटरल मूवमेंट की कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल से क्या कर रही है, और थ्रस्ट ऑफ द टेल से क्या कर रही है, वाटर फ्लो को काट रही है। दैट इज अ स्ट्रीम लाइन बॉडी, इनकी कैसी लाइन बॉडी बॉडी होती है, इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, दैट हेल्प टू कट वाटर फ्लो, दैट हेल्प टू कट वाटर फ्लो बेटा। आगे देख लेते हैं, फिश स्विम बाय फॉर्मिंग loops alternately on two sides of the body, matlab ki they can form the loops alternately of the on the two sides of the body, matlab alternatively kya karta hai, two sides of the body se move karta hai, kaun bhaiya, fish. To aage dekh lete hain, birds ke paas kaun si bones hoti hai, hollow bones hoti hai जिनमें बेसिकली उनको न्यूमैटिक बोन्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लाइट, लाइट क्यों चाहिए होती है, ताकि वो इजीली क्या करे, फ्लो कर पाए।
मतलब फ्लो मतलब हवा में फ्लो यार, वक्त को जज्बात को समझो यार। When the large flight muscles contracts, they pull the wings down. Hey, now आगे बढ़ते हैं। Nails, nails के पास muscular foot है। Nails के बाद क्या है? Muscular foot है for locomotion. ना? अगर मैं अमीबा की बात करूं, अमीबा के पास क्या है? False feet है। उन false feet का नाम जरा लिख दो फटाफट। False feet का नाम लिख दो फटाफट। कौन सा है? अमीबा के पास और स्नेल्स के पास क्या है? मस्कुलर फुट होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर फुट आर मस्कुलर। अर्थवर्म, अर्थवर्म कैसे मूव करते हैं? बाय स्ट्रेचिंग आउट द बॉडी इन फ्रंट एंड कीपिंग द हाइंड एंड फिक्स्ड टू मूव द ग्राउंड। मतलब एक पॉइंट उसका फिक्स्ड होता है और एक पॉइंट मूव करता है। किसका? अर्थवर्म का। द बोन्स are moved by alternate contraction and relaxation of the two sets of muscles. मैंने कहा ना उनकी भी muscles क्या है? Pair में काम करती है। एक point fix रहेगा तो दूसरा point move करेगा, दूसरा point fix रहेगा तो आगे move करेगा। Done? आगे देख ले? हाँ भैया आगे देख लेते हैं मैम। The bone joint are various kind depends on the nature of the joint and the direction of move they allow. Strong muscles, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो other organisms में जो common चीज़ है, strong muscles and light bones work together. See, strong muscles काम करती है यहाँ पे और जो bones होती हैं वो light होती है ताकि वो movement allow कर पाएं. And helps the bird to fly. They fly by flapping their wings. Flap करते हैं वो wings. क्या कहते हैं? Flap. आगे देख लेते हैं. Snakes lighter on the ground by looping sideways. A large number of bones and associated muscles push the body forward. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? भार है। किस चीज का? शेल का। शेल क्या है? Exoskeletal बेटा। क्या? आगे बढ़े? हाँ मैम आगे बढ़ लेते हैं। Now देखो, the body and the legs of the cockroach have the hard covering forming out the क्या? Exoskeleton होता है। जैसे क्या बोलते हैं आउटर स्केलेटल, वो किससे बना है? वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग कवरिंग है उसकी। द मसल ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद द थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स हेल्प द कॉकरोच टू वॉक एंड फ्लाई। ठीक है, उनकी जो मसल्स है वो क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़े, चले देख ले। हाँ मैम बस आगे क्या था तुम्हारा? थैंक यू आ गया। बस इतना सा इतना सा लेक्चर था तुम्हें। मैंने इसमें क्या क्या बता दिया कि भाई पेपर में क्या क्या आएगा, जॉइंट किस टाइप के होते हैं और फाइनली दूध को क्यों पीना चाहिए, क्योंकि भाई अल्टीमेटली तुम्हारा मूवमेंट कौन करा रहा है? बोन। और बोन किससे बनी है? कैल्शियम से। और कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें? दूध में। तो भाई चले फिर, अलविदा ले तुमसे। मन तो नहीं कर रहा जाने का। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था गाना भी सुना दो मैम। तो यार गाना मुझे आता तो नहीं है, बट कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ठीक है, ये तुम पहले मुझे बताओ, फिर मैं उसमें से चूज करूंगी और नेक्स्ट क्लास में तुम्हें गाना सुनाऊंगी। ठीक है, तो अपने जरा कमेंट्स में मुझे अपनी चॉइस भी बता दो कि मैम ये गाना सुना दो। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।